उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी इन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। क्यों भाई, वो भी हमारे भाई है, विपक्ष में चलेगा और जो विपक्ष में थे वो पक्ष में चलेगा। ये पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहेगा, कभी कुर्सी तुम्हारी कभी कुर्सी हमारी के बारी आती रहेगी, लेकिन बिहार के जनता का हालात नहीं समझना है हम बिहार के लोगों को। और जिस दिन हम बिहार के लोग इस चीज को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं कि हम पूरा बिहार को बदल देंगे। मोदी जी भी रैली करते हैं तो वीडियो बनता है, न्यूज पे आता है, क्यों नीतीश कुमार जी भी करते हैं तो तेजस्वी जी भी करते हैं। डिजिटल मीडिया नहीं होता था, लोग डिजिटल मीडिया को गाली देते हैं, अरे हम वीडियो भी बनाते हैं, जेल भी जाते हैं और मदद भी करते हैं, तो अपने खाता को खाली भी कर देते हैं लोगों का मदद करने के लिए। हम डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं भाई, हमारा दिल जो है छली छली हो जाता है, उसके बावजूद जो है हम किसी दूसरे का दिल को टूटने नहीं देते। मनीष कश्यप इतना परेशानी में रहने के बावजूद भी अपने वादे को नहीं भूले और आज 1,00,000 रुपया का मदद कर रहे हैं। 1,00,000 रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता भैया, आप इतना कर्ज में डूबे हुए हैं, 9 महीना जेल में रहे, आप खुद परेशानियों से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अपने वादा को नहीं भूले, 1,00,000 रुपया का मदद कर रहे हैं। मेरा गाँव जानता है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है, अभी भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है, सभी लोग जानते हैं। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मैं जेल में था, मैं अपनी मम्मी का खाता अगर जो है मैं अपने वीडियो पे लगा लगा के जो है मेरे लिए जो भी वीडियो बनाता था तो मेरे खाते में जो है मेरी माँ के खाते में 10-12-15 करोड़ आराम से आ जाता। हम अपने लिए कमा लेंगे, हम अपना कर्ज जो है उतार देंगे, लेकिन जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए क्या? तो उनके लिए तो हम सभी को आवाज उठाना ही पड़ेगा। चलिए, किसी के नजर में मैं अच्छा हो सकता, किसी के नजर में मैं बुरा हो सकता, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि आप मेरे विचारधारा को इग्नोर नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि टीआरपी के लिए मनीष कश्यप जाके 1,00,000 रुपया का मदद कर दिया। राहुल गांधी जी टीआरपी के लिए ही ना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, करे वीडियो मत बनवाए, चुपचाप यात्रा करे, काहे वीडियो बनवाते हैं, सही कि नहीं? वो भी टीआरपी के लिए आके मदद कर दे, काहे ड्रोन शूट कराते हैं, काहे ड्रोन शूट होता है उनके यात्रा का, चुपचाप करे, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोदी जी भी रैली करते हैं तो वीडियो बनता है, न्यूज पे आता है, क्यों नीतीश कुमार जी भी करते हैं तो, तेजस्वी जी भी करते हैं तो देखिए आरोप कोई भी कैसे भी लगा देगा, किसी पे भी लगा देगा आरोप। यहाँ पे आप लोग आए हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये दर्द जो है दूर, अगर यहाँ से नवादा से वीडियो नहीं बना होता तो मैं आता क्या? नहीं आते। गुंजन सिंह जी आते क्या? नहीं। दबाव नहीं पड़ता तो यहाँ के सांसद महोदय आते क्या? नहीं। दबाव नहीं पड़ता तो यहाँ के नेता आते क्या? नहीं आते। दबाव पड़ा तभी तो, और दबाव किसने डालवाया? ये डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो फटे हुए जींस, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े पहन के जो है कहीं भी निकल जाते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं, भूखे प्यासे जो है चीज़ों को दिखाते हैं, तब जाके जो है दूर तक बातें पहुंचती है और तब जाके बदलाव होता है। चलिए, जब लोग अपने अश्लीलता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो हम अच्छे कार्यों को क्यों नहीं दिखा सकते? देखिए यहाँ पे, देखिए एक दिव्यांग है भाई ये हमारे, और देखिए ये है बदलाव, ये उम्मीद के साथ आए, ये है बदलाव, ये दिव्यांग है उसके बावजूद भी आज उसका उपयोग कर रहे हैं, कैमरा और माइक के ताकत को समझ रहे हैं, तो यही चीजों को समझना है हम बिहार के लोगों को। और जिस दिन हम बिहार के लोग इस चीज को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं कि हम पूरा बिहार को बदल देंगे, और फिर कोई बिहार में शहीद होगा ना तो उसका परिवार के आंखों में आंसू नहीं रहेगा, बल्कि उसके परिवार के आंखों में आंसू रहेगा, वो गम का नहीं रहेगा, वो गर्व का रहेगा, गर्व का रहेगा। और जब गर्व का आंसू रहे ना, तब हम समझेंगे कि हाँ, हमने बिहार के लिए कुछ किया है। क्या बात है। चलिए, शहीद चंदन सिंह जी के पिताजी हैं और मनीष कश्यप जो वादा किए थे उस वादा को आज पूरा कर दिया। आपको उम्मीद था कि मनीष कश्यप वादा करके जा रहे हैं कि 1,00,000 रुपया देंगे तो आकर देंगे फिर? हाँ, ये तो उम्मीद था कि जरूर कि अपना जो बोले वो अपना पूरा करेंगे, आप कर दिए। हाँ हाँ, मगर बिहार सरकार तो अच्छा, कुछ एक बात बताइए, जब मनीष कश्यप यहाँ पे आए थे तो उस टाइम जो पक्ष में थे वो आज विपक्ष बन गए और सरकार जो है वो बदल गया, आपका कितना हालात बदला इस 1-1.5 महीना के बीच में? देखिए, इनका पर तो हमको एकदम पूरा विश्वास, सब कुछ दिल में गड़े चुके हैं। हाँ। और अभी तक पूरा भी विश्वास हमारे हैं। हाँ। बात की नहीं कि हमारा पूरा विश्वास अभी इन पर है। हाँ। हाँ। आपको विश्वास था कि बेटा बन के मनीष कश्यप खड़ा रहेंगे? खड़ा रहेंगे। हाँ। हाँ। क्या कह रहे थे? देखिए, आपने बोला कि जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चलेगा और जो विपक्ष में थे वो पक्ष में चलेगा। ये पक्ष विपक्ष का खेल चलता रहेगा, कभी कुर्सी तुम्हारी कभी कुर्सी हमारी के बारी आती रहेगी, लेकिन बिहार के जनता का हालात नहीं बदला। ये पहले भी जो है इस टूटे फूटे मकान में थे,
आज भी टूटे फूटे मकान में। उम्मीद है कि हम जैसे विजय सिन्हा जी का आप लोगों ने नाम लिया कि वो आए थे, तो उम्मीद जब वो आए थे तो वो विपक्ष में थे। हाँ विपक्ष में थे, अब विपक्ष में चले गए, तो हम इनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे। उप मुख्यमंत्री हैं, उन तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि वो कुछ एक्शन लेंगे, सम्राट चौधरी जी कुछ एक्शन लेंगे, उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी कुछ एक्शन लेंगे, उम्मीद है, उम्मीद है और उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी इन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, क्यों भाई वो भी हमारे भाई है। देखिए झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होते रहती है, विचारधारा की लड़ाई है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, तो विचारधारा की लड़ाई है। उम्मीद है कि तेजस्वी जी भी आगे आएंगे, बोलेंगे कि भाई उस समय तो हम पक्ष में थे तो तुम लोग जो है हमारे को उंगली कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं दिया कुछ नहीं, अब तुम पक्ष में आ गए हो तुम दो। हाँ। सही है कि नहीं, तब ना जाके हमारा बिहार बदलेगा। और तेजस्वी भी तो हमारे भाई ही है ना, तेजस्वी भाई है, आप हमेशा विरोध करते हैं, आज भाई कह रहे हैं। विचारधारा का विरोध हमेशा रहेगा। मैं अभी पुल पे वीडियो बनाया हूँ, हरनौत में नीतीश कुमार जी के गांव में वीडियो बनाया हूँ, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है एनएचआई, वीडियो बनाया हूँ। विचारधारा का विरोध हमेशा रहेगा, बिहार में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हमेशा जो है आवाज उठाया जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को दुश्मन नहीं मानेंगे। ये चीज है, अपने आवाज से जो है उन लोगों को जो है बातों को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे भावनाओं को भी समझे और हमारे भाव हमारे कष्टों को भी दूर करें। चलिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होकर यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर होकर आज एक शहीद परिवार को 1,00,000 का मदद कर रहे हैं। नेता अपना वादा भूल जाते हैं लेकिन यूट्यूबर अपना वादा नहीं भूलते हैं। बाकी आप लोग मनीष कश्यप के इस अच्छे कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।